पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते, जो कभी खाटी कांग्रेस हुआ करते थे और एक वक्त तक पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक थे, लेकिन अब वो भाजपा के पाले में हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्यसभा के उपचुनाव के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं का शुक्रिया अदा किया। बुधवार को जयपुर में उन्होंने कहा कि वो राजस्थान की सफेद चादर पर कोई दाग नहीं लगने देंगे। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र सरकार में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं। रवनीत ने इस बार लोकसभा चुनाव लुधियाना से लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार सिंह राजा वार्डिंग से हार का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले वो कांग्रेस का टिकट पर 3 बार सांसद बन चुके हैं और 2 बार लुधियाना और 1 बार आनंदपुर साहिब के रास्ते संसद तक जा चुके हैं। राज्यसभा उम्मीदवारी मिलने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब, जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और खास तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी एमएलए का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। रवनीत बिट्टू ने आगे कहा कि इससे पंजाब है और राजस्थान है, दोनों हर वक्त देश के दुश्मनों पर कड़ी नजर रखते हैं और दुश्मनों को सिर उठाने भी नहीं देते। ये काम राजस्थान और पंजाब करता है और गंगानगर और हनुमानगढ़ से पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है। ये हमेशा शूरवीरों की धरती रही। इन्होंने मुझे यहाँ से मौका दिया और मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। रवनीत ने कहा कि राजस्थान ने जितना आशीर्वाद मुझे दिया, उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति, यहाँ की कुर्बानियों के आगे हमेशा मेरा सिर झुक जाता है। इसकी शान दुनिया में पहले ही बहुत ज्यादा है। मेरी तरफ से जो हो सकता है वो मैं राजस्थान के लिए करूंगा, कभी कोई काम नहीं छोड़ूंगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने मुझे राजस्थान से मौका दिया, तो मैं कभी भी ये जो सफेद चादर है, जो चाहे वो बीजेपी की हो या राजस्थान की, उस पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। अब ऐसे में देखना ये है कि रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। अगर पंजाब के लिहाज से बात करी जाए तो भाजपा के इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा का खाता नहीं खुला था, जबकि पिछली बार भाजपा के खाते में 2 सीटें आई थी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।